आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम 3 मार्च की श्रीवरदान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम जब आए हमारे जीवन में तो हम उसको भी बहुत आराम से उड़ करके पार कर लें। जैसे दिखाते हैं हनुमान जी क्या करते थे, बड़े बड़े समुद्रों को बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर लेते थे। तो उनके दिल में राम थे, तो हमारे दिल में कौन है? या तो हम लोगों के पीछे जाते हैं भाग भाग करके, सोल्यूशन ढूंढते हैं, बताइए ना क्या करूँ, इसको कैसे करूँ, उसको कैसे करूँ, या तो हम मैनिपुलेशन करते हैं लोगों को ताकि अपना काम बन जाए, या तो फिर हम पैसे के बल से या कॉन्टैक्ट्स के बल से हम अपना काम करवा लेते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं इससे भी सहज तरीका है, ये तो बहुत मेहनत वाला तरीका है, इसमें टेंशन बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होता है, लोगों से आपको बहुत हेल्प लेनी पड़ती है, फिर आपके ऊपर बोझा चढ़ जाता है बंधन का। लेकिन इससे भी बहुत अच्छी एक और बहुत ही सहज मार्ग वाला तरीका है, उस टेक्निक को अगर हम यूज करें जिसको कहते हैं योग शक्ति से। तो परमात्मा से योग लगाया और परमात्मा से जुड़ करके हम अपने सारे पहाड़ रूपी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो देखें परमात्मा कहते क्या है इसमें। समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी बाबा। कोई प्रॉब्लम आई सीधा बाबा, क्योंकि तुम्हें वो माता, तुम्हें वो पिता, तुम्हें वो सखा, तुम्हें वो बंधु, हर चीज परमात्मा। अगर वही हर चीज है तो फिर हम सॉल्यूशन किससे ढूंढे, किससे मांगे, किसको फोन लगाए? ये फोन है ऑटोमेटिक फोन, बटन ऑन किया, मैं आत्मा बाबा मैं आया, क्या करना चाहिए? उनसे बातें करना शुरू, उनकी प्रकाश की किरणों से हमारा मन क्लीन और क्लियर, हमें जो इन आंखों से कानों से चीजों से दिखता नहीं है सॉल्यूशन, क्या करूं कैसे करूं, वो हमें छठी इंद्री से, 5 इंद्रियों से अलग छठी इंद्री से सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरत है, छोटी छोटी चीजों से प्रैक्टिस करिए, बड़ी बड़ी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। परमात्मा कहते हैं हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। अब उड़ना कहाँ है, हनुमान जी जैसे कोई उड़ना नहीं है, मतलब कि उड़ना वहां है, मतलब कि मैं आत्मा आई आपके पास परम धाम, आपके सामने बैठ जाऊं, ये मेरी प्रॉब्लम है बाबा, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। सिंपल, योग भी लग गया, मेडिटेशन हो गया आपकी, है ना। तो आप उड़ गए। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज करो कि हाँ मेरे अंदर कितनी सारी प्राप्तियां हैं, मुझे ज्ञान मिला हुआ है, पहला ज्ञान, नथिंग न्यू, ड्रामा में हुआ पड़ा है सब कुछ, ये आएगा, पहले भी आया था, कलयुग चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मैंने हमेशा हर कल्प में हर 5000 वर्ष में मैंने ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था परमपिता परमात्मा को अपना साथी बना करके। हर एक आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं, हर एक किसी को हिसाब किताब चुकतू करना है, कोई मेरे से बदला लेने आया होगा, कुछ करने का आया होगा, नो प्रॉब्लम, मैं इन हिसाब किताबों को चुकतू करके आगे बढ़ती जाऊंगा आत्मा, या बढ़ती जाऊंगी आत्मा। और क्या है हमारे पास में, अष्ट शक्तियां हैं, निर्णय लेने की शक्ति है, उसको इस्तेमाल करो, परखने की शक्ति, क्या करना चाहिए इसके अंदर, बोलूं ना बोलूं, चुप रहूं, फेस करूं, सामना करूं इन चीजों का, लोगों को बताऊं ये चीज सही है कि सही नहीं है, या तो फिर एडजस्ट करूं सिचुएशन में, जो एडजस्ट करता है, जो मोल्ड कर लेता है, वो रियल गोल्ड बन जाता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास में वेपन्स हैं। इसलिए क्या दिखाते हैं देवियों के हाथ पे, क्या दिखाते हैं, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। ये सारे ज्ञान के पॉइंट्स ही हमारे लिए अस्त्र शस्त्र हैं, ताकि हमारे अंदर कोई काम क्रोध लोमो अहंकार जागृत ना हो जाए। हम इन अस्त्र शस्त्रों को इस्तेमाल करके अपने आप को बिल्कुल शांत और शीतल रखें अपने आप को, तभी हमारे बहुत सारी भुजाएं हैं हमारे पास में, 8 भुजाएं नहीं, हमारे पास में हजारों अनगिनत भुजाएं हैं ज्ञान की। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे सहयोग करूं, वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, व्यक्ति नहीं, वो संस्कार मुझे पसंद नहीं है, व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि संस्कार पसंद नहीं है, व्यक्ति अच्छा है, व्यक्ति अच्छा था, परमात्मा ने बनाया था, लेकिन उसके अंदर संस्कार फिर से बिगड़ गए हैं। तो व्यक्ति अच्छा है, संस्कार बुरे हैं, तब भी मुझे उस व्यक्ति को मदद करनी है। तो परमात्मा कहते हैं सहयोग करो औरों का, है ना। उसका क्या दिखाते हैं, गोवर्धन पर्वत दिखाते हैं कि बहुत जब विकराल परिस्थिति आती तो आप सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं, आप अपने सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, भेदभाव है आपस में, उन सब चीजों को आप अलग कर देते हो और आप एक तरीके से आगे बढ़ना शुरू करते हो, एकाग्र होकर के, एक ही दृष्टि रख करके। परमात्मा कहते हैं फिर आगे, और उड़ती कला में उड़ने उड़ते रहो तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। तो ये सारी चीजों को भी याद करो, इमर्ज करो, ये सारी शक्तियां और सारे गुण, मुझे नम्र रहना है, मुझे धैर्य रहना है इस समय, मुझे स्वीटनेस से बात करना है, मधुरता से बात करना है इस समय, ये प्रॉब्लम के टाइम पर ये क्या करना है मुझे। फिर आगे परमात्मा कहते हैं सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो, कि वर्तमान में मैंने ये भी गुण और शक्तियां इस्तेमाल कर ली, परमात्मा से कॉन्टेक्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली मेरा दिन अच्छा होने वाला है और दिन अच्छे होने वाले हैं, और मेरा भविष्य भी, मेरे ये अच्छे संस्कार बनते जा रहे हैं, ये संस्कार मैं आत्मा लेके जाऊंगी तो मेरा भविष्य कितना उज्ज्वल होगा,
मेरा अगला जन्म कितना अच्छा होगा अगर मैंने अभी ये संस्कार बना लिए, टॉलरेंस के संस्कार, पेशेंस के संस्कार, मधुरता के संस्कार बना लिए, ये सब संस्कार अभी बनाने मुझे, ताकि मेरा अगला जन्म भी ये संस्कारों के द्वारा उज्ज्वल बने। तो भविष्य जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु कोई भी फिजिकल चीज स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र, अब बुद्धि क्या समझती है, आंखों के द्वारा अगर आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आपको शायद से वो मिलने मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो बुद्धि के नेत्र द्वारा आप चीजों को परख पाओ, उसको गहराई तक देख पाओगे, अच्छा ये है सिचुएशन, उसको इसमें ये करना चाहिए मुझे, तो फिर वो अनुभव के नेत्रों द्वारा प्रलब्ध स्पष्ट दिखाई दे आपको, देखो ये चीज को मैंने बिल्कुल क्लियरली सॉल्व कर लिया। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। कौन सी कमाई है? जब आप 100% अपने आप को बिल्कुल ही पेशेंस में, टॉलरेंस में रखोगे, तो फिर औरों से दुआ कमाना भी कमाई है, प्रॉब्लम्स को फटाफट सॉल्व कर लेना भी क्या है, कमाई है, और सबसे बड़ी कमाई तो क्या, विजडम जो आप इकट्ठी कर रहे हो इस ज्ञान के द्वारा, इसको इस्तेमाल करके अपने जीवन में, इसको ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं है, इस ज्ञान को अपने प्रैक्टिकली जीवन में इस्तेमाल करना है। चलो ठीक है, मैं इस सिचुएशन में अपने आपको पेशेंस पर रख के देखती हूँ, मैं आत्मा इस सिचुएशन में मैं थोड़ा सा टॉलरेट करके देखती हूँ अपने आत्मा, मेरी टॉलरेंस पावर कितनी बड़ी है, मेरी पेशेंस पावर कितनी बड़ी है, मेरी बैटरी कितनी रिचार्ज हुई है मेरी, मैंने स्वीटली कितना बात किया, मैंने अंदर बाहर स्वीटनेस, यानी कि अंदर से गुस्सा आ रहा है लेकिन बाहर स्वीटली बात कर रहे हैं, नहीं मैंने अंदर बाहर स्वीटली बात किया कि नहीं किया, ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस करनी है, तब जाके हमारी क्या होगी, जैसे बाबा ने कहा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी इसमें आपको, आप भी आकर के इस मधुर ज्ञान को, अनंत ज्ञान को, अद्भुत ज्ञान को, परमात्मा के दिव्य ज्ञान को सीखें आकर के। ओम शांति के साथ।